फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि, एपीजी ब्यूटी जोन से। आज की वीडियो में आपके साथ एक स्किन प्रॉब्लम का सलूशन शेयर करने वाली हूँ। और ये स्किन प्रॉब्लम मैं, आप या कोई भी हो, वो अपने स्किन पे नहीं चाहता कोई भी। तो चलिए फटाफट से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये स्किन प्रॉब्लम कौन सी है। तो अगर आपके स्किन को एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स दिखते हैं, रिंकल्स दिखते हैं, आपकी स्किन ढीली पड़ गई है, यंग नहीं दिखती, स्मूथ नहीं दिखती, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके पास है, आपकी स्किन पे है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। और उसके लिए आपको कोई खर्चे नहीं करने, कहीं पार्लर भी नहीं जाने हैं, घर की चीजों से बहुत ही इजीली आपको इसको करना है। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप इसको करते हो वीक में 2 से 3 बार, और अगर 3-4 वीक लगातार ऐसे ही आप कर लेते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, यही है जीवन की सच्चाई है। कोई भी ऐसा नहीं, इंसान नहीं होगा या ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, लड़की लड़का कोई भी हो, वो सुंदर ना दिखना चाहे। और अगर कोई सुंदर दिखना चाहता है, तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग चीजों को ट्राई करता है या अलग अलग उसका सोल्यूशन ढूंढता है। तो अगर आपकी स्किन पे एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। और इसको कैसे रिमूव करना है घर की चीजों से, वो मैं आपको आगे की वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है ये पैक हमको, और हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। खाली बाउल और एक स्पून, अब हम इसमें अपना पैक बनाएंगे। पैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो चाहिए, वो हमें चाहिए ग्रीन टी। ग्रीन टी सभी लोग जानते होंगे और सबके घर में इजिली मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पाउच लिया है ग्रीन टी का, और इसको हम ओपन करके बाउल में निकाल लेंगे। ग्रीन टी को निकाल ले रहे हैं इस बाउल में। और ग्रीन टी जो होता है, ये हमारी स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करता है, हमारी स्किन को स्पॉटलेस बनाता है, टाइट बनाता है और काफी स्मूथ रखता है। तो यहाँ पे हमने एक टी बैग जो था ग्रीन टी का, वो ले लिया है। और अब मैं इसमें अपना सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड करूंगी, जैसे वो है दही। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का लिया है। आपके पास जो भी ब्रांड का हो, आप इसमें 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हो आप। तो इसमें मैं 1 या 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर दूंगी। एलोवेरा जेल इसमें मैंने ऐड कर दिया ये। और इसके बाद अब मैं इसमें कर दूंगी हनी, बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम ही, बस 2 ड्रॉप, बस इतना काफी है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है, आपकी जो सामान्य स्किन है बहुत ज्यादा ना ऑयली है ना ड्राई है, तो ये पैक आपके लिए बेस्ट है, इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, तो इसमें 1/2 टेबल स्पून आप मुल्तानी मिट्टी या बेसन ऐड कर सकते हो। तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको हम एक फेस की कंसिस्टेंसी, फेस पैक की जो कंसिस्टेंसी होती है, उसकी तरह इसको हम बना लेंगे। तो इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे अपने स्किन पे अप्लाई। जो है एंटी एजिंग फेस पैक, ये बिल्कुल बन के रेडी है। और अब हम इसको करेंगे अपने फेस पे अप्लाई। अप्लाई आप इसको फिंगर से लेती हो ऐसे थोड़ा सा, और इसको यूं। और सबसे बड़ी बात जो है, आप जब भी कोई भी फेस पैक अप्लाई करो अपने स्किन पे, तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया, तो इसलिए मैं इसको ऐसे, इसको आप लगा के हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज दीजिए। मसाज देंगे ना इसलिए, तो इसमें जो ग्रीन टी होती है वो हमारे स्किन को जो है ना एक्सक्लूड भी करेगी। जैसे आप स्क्रब करते हो, तो डेड लेयर जो होगी वो निकल जाएगी। और हनी है इसमें, ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एलोवेरा जेल है, वो भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। और इसमें मैंने दही को ऐड किया है, तो दही जो है हमारी स्किन को लाइट ब्राइट बनाती है और साथ ही साथ मॉइस्चर भी करती है। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स जो है हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, पर इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होता है वो हमारे स्पॉट, जो हमारे डार्क स्पॉट होते हैं फेस पे, स्किन पे, कहीं भी किसी भी पार्ट पे, उनको बहुत ही इजीली रिमूव कर सकता है। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा ब्यूटी हैक्स वगैरह में कि आप ग्रीन टी का जो पैकेट होता है, उसको जब हम पीने के बाद यूज करने के बाद रखते हैं, तो उससे आपने देखा होगा, उससे हम अपने डार्क सर्कल पे रखते हैं, तो हमारे डार्क सर्कल जो होता है वो लाइट होने लगता है धीरे धीरे। तो ग्रीन टी के फायदे को सभी जानते हो, पर इस तरह से अगर आप इसको यूज करोगे, तो आपकी स्किन जो है काफी स्मूथ, शाइन और यंग दिखेगी। आपकी स्किन बिल्कुल टाइट होगी, ढीली नहीं होगी स्किन, और एज के फाइन लाइन रिंकल्स जो है वो बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस तरह मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से मसाज दिया। और मसाज देने के बाद इस पैक को हम अपने फेस पे कर लेंगे अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद हम इसको नॉर्मल वाटर से कर लेंगे वॉश। तो इसको मैं कर रही हूँ अप्लाई, और इसको बहुत केयरफुली लगाएं, गिर रहा है बहुत ज्यादा ही। और ये बस इसको हम अपने फेस पे ऐसे बहुत ज्यादा लेयर सा नहीं लगाएंगे, इसको बस थोड़ा सा लगा लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाज किया है तो वो हमारी स्किन में जो है डीपली एब्जॉर्ब हो गया है। इसलिए बस इसको यूं लगा के हम 10 से 15 मिनट रहने देंगे, उसके बाद हम इसको
नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेंगे। और इस स्टेप को आप वीक में 3 बार करो, 3 से 4 बार जितनी बार आप कर पाओ। और अगर यही रेगुलर आप करते रहते हो, इसे वीक में 3-4 बार, 3-4 वीक लगातार आप करते रहते हो, तो आपकी एंटी एजिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी और आप बिल्कुल यंग और स्मूथ स्किन वाले हो जाओगे। तो मिलते इसको वॉश करने के बाद, वॉश कर लिया है और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अंतर मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा लाइटिंग का। और अगर आपको स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एंटी एजिंग की, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए और आपकी ये स्किन की प्रॉब्लम 3 से 4 वीक में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।